नमस्कार, हम फिर से आ गए एक और पंचायत में, एक और पंचायत की बात करने के लिए, मुखिया जी के साथ पंचायत का विकास दिखाने के लिए कि मुखिया जी के द्वारा किस हद तक विकास किया गया है इन 14 से 15 महीनों में। बाकी आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ नेटवर्क में, आपके साथ निशांत कुमार, और इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के गया जिले के अतरी प्रखंड के डिहुड़ी पंचायत में, और हमारे साथ जो शख्स बैठे हैं इनका नाम अनिल चौधरी है, इस पंचायत के ये मुखिया हैं। हम इस संबंध में यहाँ आए हैं क्योंकि पंचायत का विकास मुझे जानना है कि इस पंचायत में विकास का स्तर आखिर है क्या, मुखिया जी के द्वारा किस हद तक विकास किया गया है। तो आइए सीधे रूप करते हैं अनिल चौधरी जी की और जानते हैं इस पंचायत के विषय में कि क्या क्या विकास का कार्य हुआ है। पहले सर आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जी धन्यवाद। सबसे पहला सवाल हम ये जानना चाहेंगे, पहली बार मुखिया बने हैं, किस हद तक विकास कर रहे हैं पंचायत का? पंचायत का जहाँ तक विकास की बात है तो हमने 12-14 महीना में जो विकास का कार्य किए हैं वो पिछले 10 सालों में नहीं हुआ है। अच्छा, नल जल की कैसी स्थिति यहाँ पर? नल जल की स्थिति कुछ तो पीएचडी से है वो ख़राब है, और जो पंचायत से है वो चालू है, कुछ एक दो थोड़ा बहुत गड़बड़ी भी है। अच्छा। लेकिन बाकी चालू है। 15वीं और 16वीं योजना के तहत क्या क्या कार्य हुआ? 15वीं 16वीं योजना के तहत हमने बताया कि जो पिछले 5-10 वर्षों में काम नहीं हुआ वो काम